आज आप लोगों को हम लोग बताएंगे कि शाकाहार का क्या महत्व है। हमारे बीच आशा विहार की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरोज पाटिल जी उपस्थित हैं, वो हमें बताएंगे कि सभी के लिए क्यों जरूरी है। अब मैं सरोज पाटिल जी से आग्रह करूंगी कि वो सभी को शाकाहार के महत्व के बारे में बताएं। मैं कहना यह चाह रही हूँ कि जो ऋषि मुनि हैं वो सात्विक भोजन करते हैं ना, आप उन लोगों को नॉनवेज खाते कभी देखे हैं नहीं, क्योंकि नॉनवेज खाते खाते हम लोगों की तामसिक प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, शरीर में गैस बनती है, पेट में पचता नहीं है, उससे क्या होता है कि हमको क्रोध आना, गालियाँ देने का मन करता है, बिना बात हम लोग झगड़े करते हैं, जितनी गंदी आती है उसी से आती है। तो हम लोगों को कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए, ऋषि मुनि नहीं खाते हमारे भगवान, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, और कौन क्या भगवान की पूजा करता है, करते हैं ना पूजा भगवान को, कभी नॉनवेज का भोग लगाते देखे हो, दशहरा दीपावली छठ में कभी नॉनवेज आपके घर में बनता है नहीं नहीं बनता, इसका मतलब हिंदू धर्म में तो एकदम नहीं, नहीं सुनिए तब तो अशुद्ध है ना, नहीं खाने लायक है क्योंकि भगवान नहीं खाते, त्योहारों पे हम नहीं खाते, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि वो मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है, ये भोजन मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिए। शरीर दो रोटी खाने से पेट भर जाता है, फिर हम क्यों नॉन वेज खाएं, नहीं खाना तो चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार कोई भी चीज बिना नॉन वेज के होती है, हम लोग मांस मीट नहीं खाते हैं। अब आइए बात कि हम लोग मांस मछली जो खाते हैं, आपके बच्चे को आपको चोट लगती है तो दर्द होता है, जी होता है, होता है, सबको दर्द होता है, पशु पक्षी को उसको भी होता है, होता है ना जी जी, फिर पशु पक्षी को दर्द देके आपको खाना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा किसी को नहीं नहीं, हाँ तो पशु पक्षी या किसी को भी दर्द हो, हम अपने पेट भरने के लिए किसी को दुख दे अच्छी बात है नहीं, नहीं है ना, तो हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे को मरते हुए दर्द होता है, हमारा बच्चा एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कितना दुख होगा, जो बात है मैं है, हमारे माँ बाप के एक्सीडेंट में डेथ हो जाए कितना दुख होगा, तो जब आप किसी मुर्गा मछली और बकरा वगैरह को मारते हैं तो क्या आपके बाल बच्चे नहीं रोते होंगे, रोते हैं, उनके माँ बाप नहीं रोते होंगे, एकदम रोते हैं, मगर पता नहीं चलता, तो उनकी बददुआ लेते हैं आप लोग, जो इतना दुख है ना, ये हम लोग कितने दुखी हैं किसी न किसी की बददुआ से, किसी न किसी गंदे कर्मों की वजह से हम लोग जो गलत कर्म करते हैं, जो खराब काम करते हैं, चोरी चकारी शराब पीना मांस मछली खाना, ये सारे गलत काम हैं और इनकी वजह से ही हम लोग दुख पा रहे हैं। तो जो काम हम छोड़ सकते हैं, जिसके बिना हमारा गुजारा हो सकता है, हमें करना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग किसी को जिंदगी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं नहीं, कोई कर सकते हैं मरे हुए को जिंदा, कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन में नहीं हो सकता, तो जिंदा लोग को मारने का अधिकार किसने दिया आपको कि जिंदा लोग को हम मार दें, कोई नहीं दिया है, कोई दिया है आपको अधिकार नहीं, नहीं ऊपर के अलावा कौन दिया है मैम, नहीं किसी ने किसी को अधिकार नहीं दिया है कि जिंदा को मार देगा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, अगर आप मारते हैं तो अगले जन्मों में आप तैयार रहिए, आपको भी कोई मारने वाला खड़ा है, तो बात है, इसलिए अच्छी बातें सोच के अच्छी बातें ग्रहण करके जाइए, क्योंकि उतना ही दर्द उतनी ही पीड़ा सबको होती है जितनी हम लोगों को होती है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो चाहे बकरा हो चाहे मछली हो, हम किसी को भी खेल खेल में कुत्तों को पत्थर मारते हैं, बच्चे खेल खेल में देखते हैं ना पत्थर भागता है तो बहुत खुश होते हैं, पूछ में पटाखा लगा देते हैं, क्यों उनको परेशानी नहीं होती, उनको डर नहीं लगता है, आपके बच्चा बैठा हो और पटाखा छोड़ दें क्या लगेगा, मारिएगा पकड़ के साथ में, बेचारा वो बोल नहीं सकता तो हम लगा दें नहीं ना। दूसरी बात, हम
हम लोग मनुष्यों की जो शारीरिक रचना है, शारीरिक रचना वो एक केवल सात पचीस करने लगे। मांस हमारा शरीर में नहीं पचता, और जब नहीं पचेगा तो गैस होगी, परेशानियां होंगी, बीमारी होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।